नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ये झटका इसलिए लगा है कि सीबीआई ने जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है, सुप्रीम कोर्ट उससे इतना ज्यादा सेटिस्फाई है, संतुष्ट है कि उन्होंने तुरंत अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई थी उसको 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया, यानी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी। बड़ी बात यह समझिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये बात मान चुकी थी कि अब उन्हें जमानत मिलने वाली है। बार बार बड़े बड़े मंचों से घोषणा हो रही थी कि बस आने वाले केजरीवाल नहीं आएगा, चोर है वो, दिल्ली के खजाने का चोर है। और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी है उसमें साफ साफ कहा है कि यह आदमी चोर है और ये अपनी चोरी को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। ये सीबीआई ने दलील दी है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने हाई कोर्ट की एक जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसका भी हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए बिल्कुल साफ कहा था कि उसका हवाला देते हुए जो बताया कि यह नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी भी रूप में अवैध है, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो चोरी की है, दिल्ली के खजाने को लूटा है शराब नीति के मामले पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, हाई कोर्ट ने भी मोहर लगाई है उस पर। और आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी। उनकी जो ये सुनवाई है, सीबीआई को एक दूसरी याचिका में अपना, इसको गौर से सुनिए, एक दूसरी याचिका में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 5 सितंबर का समय दे दिया और अरविंद केजरीवाल को जेल में एक बार फिर से बुक कर दिया है कि भैया तुम तो यहीं जमा रहो, तुम अब बाहर नहीं आने के तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा चोर जिसने दिल्ली के खजाने को लूटा, जिसने उचक्के ने दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर के पैसे को लूटा, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इस आदमी को अब अदालतें नहीं छोड़ रही हैं। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कई अदालतों का हवाला देते हुए, जो जजों ने इसके बारे में, केजरीवाल के बारे में लिखा है, उसका हवाला देते हुए ये बात बताई है। आप समझिए, इसीलिए बहुत बड़ा सीबीआई ने जो तुर्क का पत्ता चल दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ा के रख दी है और यह साबित किया है कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका थी, जिसके जरिए दिल्ली के खजाने को लूटा गया। हम आपको इसमें और बताते हैं कि और सीबीआई ने क्या क्या अपने जवाब में क्या क्या कहा। देखिए, सुनिए गौर से, सीबीआई ने जो जवाब दाखिल किया है बहुत जबरदस्त दलीलें दी हैं। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में बताते हैं, जिसमें के इसलिए भी आपको सुनना इस बात को जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी, खुद केजरीवाल जैसा मक्कार आदमी और आम आदमी पार्टी उसकी, ये क्या करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन भी दिया है, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं, ये क्या करते हैं, अदालतों में चुप रहते हैं। सिर्फ बोलता कौन है, अभिषेक मनु सिंह भी, और अभिषेक मनु सिंह भी अब आम आदमी पार्टी के नहीं रहे। उनका जो लालच था राज्यसभा सीट को पाना, वो पूरा हो नहीं पाया। अब कांग्रेस के तेलंगाना से वो राज्यसभा में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में आप समझिए, ऐसे में अब अभिषेक मनु सिंह भी से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती, यानी अरविंद केजरीवाल अब लंबे समय तक तिहाड़ जेल के अंदर बुक रहेंगे। क्योंकि आप समझिए, जिसके टिकट पर अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा पहुंचे हैं, अब अभिषेक मनु सिंह भी उस पार्टी यानी कांग्रेस के वफादार रहेंगे और वो पहले से भी कांग्रेस के सिपाही हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस को दिल्ली का चुनाव जीतना है तो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक चोर है और चोर की जगह जेल है और जेल के अंदर वो ठीक है। ये सारी चीजें, अब जो बातें थी अब वो पलट चुकी है, अब सीन पलट गया है। और ये सीन जो पलटा है उसमें सीबीआई सबसे बड़ी दुश्मन निकली अरविंद केजरीवाल, उधेड़ के रख दिया, एक एक बात निकाल कर रख दी। आप समझिए इसमें क्या है,
क्या क्या दलीलें दी सीबीआई ने, आपको समझ आएगा कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा चोर है। और आम आदमी पार्टी उसको बाहर निकलते ही साहूकार बताने लगती है, तरह तरह की बातें करती है, वो ऐसे जश्न मनाती है नेताओं को लेकर जैसे कि वो बड़ी होकर आ गए हैं। जबकि संजय सिंह वो भी छूटकर जमानत पे आया, अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, उसको अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया। बार बार मनीष सिसोदिया जमानत पर आया, उसको भी ऐसे जश्न मनाया जैसे जैसे बड़े, अब तो देखिए अदालत ने अरे कहां मान लिया, जमानत पर छूट के आया है, चोर है, अभी मुकदमा चलेगा। चोरों को ऐसे ही जमानत पर छोड़ा जाता है भाई, फिर मुकदमा चलता है, सजा होती है, ये तो फंडामेंटल राइट है जमानत मिलना, तो इसमें कौन सी। लेकिन ये ऐसे ही एक्ट करते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई है कि ऐसा जश्न बहुत बुरा है और इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत को तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा, कि अगर किसी को जमानत मिलती है तो वो जश्न ऐसा मनाते हैं जैसे बरी होकर आ गए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का इशारा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ था, निशाना कहीं और था, यानी कि जो मामला कोई और था लेकिन निशाना अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी थी। और आप सुनिए किस तरीके की दलीलें दी हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में सीबीआई ने। सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल की शराब नीति को बनाने और उसके क्रियान्वयन में अहम भूमिका थी, यानी कि केजरीवाल ने इस पूरे मामले की प्लानिंग में केजरीवाल शामिल था इस भ्रष्टाचार में। केजरीवाल शराब घोटाले की जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने केवल और केवल इसलिए सीएम के पद से इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वो इस पूरे घोटाले के गिरफ्तारी को राजनीतिक रंग देना चाहता था। इसी टैग के चलते, मतलब सीएम के टैग के चलते, वो जो है इस मामले में सहयोग नहीं कर रहा था पूछताछ के। अगर कोई और होता तो सीबीआई, अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होता तो सीबीआई या दूसरी एजेंसियां उस व्यक्ति को उल्टा टांग देती, पानी नाक में से पानी डाल देती, सारी चीजें। लेकिन अरविंद केजरीवाल तब तक इस रिमांड से बच गए जब तक उनके साथ मुख्यमंत्री का टैग लगा हुआ था, और यही कारण था कि केजरीवाल ने सीएम पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि वो चाहता है कि अगर उसका मुख्यमंत्री का टैग हटा तो उसकी बहुत सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी और सीबीआई उसको उल्टा टांग देगी, ये बात उसको पता है। और यहीं पर इसीलिए सीबीआई ने कहा कि घोटाले में शामिल होने की ओर इशारा करने वाले सबूतों को देखते हुए, यानी कि इतने सारे सबूत होते हुए भी सीबीआई के साथ अरविंद केजरीवाल ने जांच के अंदर कोई सहयोग नहीं किया, ये सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है। अब आप सुनिए, घोटाले में शामिल होने की ओर जो ये सारा मामला है, जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये शराब घोटाले में शामिल होने की ओर इशारा करता है, और जो भी सबूत हैं उनको देखते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी था, इसलिए उनको गिरफ्तार किया। जिसको केजरीवाल कह रहा था कि, और आम आदमी पार्टी कह रही थी कि इस केजरीवाल साहब को जेल से नहीं निकलना देना चाहते थे इसलिए गिरफ्तार किया, नहीं, उनके खिलाफ इतने सबूत अब सीबीआई के पास चल कर आ गए थे, जो कि जब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर थे तब तक जो लोग डरे हुए थे शराब घोटाले में शामिल या शराब घोटाले को जानने वाले, वो अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में जाने के बाद सारे सबूत लेकर सीबीआई के पास आ गए। इसलिए सीबीआई को मजबूरी में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार करना पड़ा, ये सारी वजह थी अभी तक, आप समझिए इसको बदलने के लिए। जो भी केजरीवाल ने किया वो ना सिर्फ अवैध था बल्कि वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ था, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस थे जो अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो बल अवैध ही नहीं था बल्कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो उनसे भी जुड़ा हुआ पूरा मामला था, जो अरविंद केजरीवाल ने चोरी की एक्ट किया। केजरीवाल की हरकत पब्लिक ऑफिस के गलत इस्तेमाल से जुड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, आप समझिए सीबीआई कह रही है कोर्ट के अंदर कि जो केजरीवाल ने किया वो अरविंद केजरीवाल की हरकत जो थी वो पब्लिक ऑफिस के गलत इस्तेमाल से जुड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाला किया था और अपने पद का
और अपने कार्यालय का सीएम हाउस का सीएम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया था, ये सीबीआई कह रही है। सीबीआई ने केजरीवाल पर इस मामले में राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया है, यानी कि उन्होंने कहा, सीबीआई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो उनकी गिरफ्तारी है, जो आम आदमी पार्टी के जो भी लोग पकड़े गए शराब घोटाले से जुड़े हुए, उसमें गिरफ्तारी को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, ये तो मोदी गिरफ्तार कर रहा है, ये तो बीजेपी गिरफ्तार करा रही है, ये हल्ला मचाकर उसने एक मॉब तैयार किया दिल्ली की जनता, दिल्ली और पंजाब की जनता के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं था, सीबीआई ने परत दर परत अरविंद केजरीवाल के चेहरे से जो नकाब था उसको नोच कर खींच कर उतार के फेंक दिया, तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा बदरंग नजर आया, घोटालेबाज का चेहरा दिखाई दिया। सीबीआई यहीं पर यही कह रही है कि केजरीवाल पर मामले में राजनीति करने का आरोप है, ये राजनीति कर रहे थे। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को राजनीतिक रूप देने से सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे थे, राजनीतिक रूप देने के साथ ही इस पूरे मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने कई अदालतें प्रथम दृष्टया अपराध के घटित होने से संतुष्ट होने के बार बार आदेश दे चुकी है, यानी कि कई अदालतों ने यह कहा है, हाईकोर्ट भी उसमें शामिल है, कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी शराब घोटाले में शामिल थी और इन्होंने करोड़ों रुपए का शराब घोटाला किया, यानी कि 100 करोड़ रुपए के कविता की कंपनी से लिए, साउथ लॉबी से लिए दिल्ली के अंदर, और एक के साथ एक जहरीली शराब बिकवाई। केजरीवाल की याचिका पर इसी कारण 5 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। सीबीआई केजरीवाल की दूसरी याचिका पर जवाब दाखिल अब करेगी 5 सितंबर को। हम आपको यहां पर ये बता देना, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी जो पत्रकारिता धर्म है उसकी भी जिम्मेदारी समझते हैं, आपको ये बात बता देना कि जिस तरीके से एक के साथ एक, एक बोतल के साथ एक बोतल, एक पौए के साथ एक पौआ, एक अद्धे के साथ एक अद्धा, एक बियर के साथ एक बियर फ्री दी जा रही थी, यानी कि एक पेटी अगर किसी ने शराब खरीदी तो उसको दो पेटी मिलती थी। आप समझिए, ये जो जहरीली शराब साउथ लॉबी के जरिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बंटवाई, जिसमें बड़े बड़े शराबियों को हमने देखा कि भैया अगले दिन खड़ा हुआ, अरे भाई साहब सर घूंघा, बड़ी खतरनाक शराब थी। हम आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो, कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर मुझसे डिबेट कर ले, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये शराब इतनी जहरीली थी कि अगर 5 साल, ये तो मैं कहता हूं दिल्ली की जनता को, भारतीय जनता पार्टी जिसने आंदोलन खड़ा किया, कांग्रेस जिसने इसकी कंप्लेंट की, इनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, क्योंकि 5 साल अगर ये शराब दिल्ली के अंदर बिकती तो दिल्ली के अंदर इतने किडनी के मरीज आ जाते कि दिल्ली से संभाले से नहीं संभलते, यानी कि एक और बड़ी साजिश। सरकारी अस्पतालों का भट्टा बैठ चुका है, मोहल्ला क्लिनिक तो सवाल ही पैदा नहीं, घोटालों के अड्डे हैं, तो बंदे बेचारे जो शराब पीने वाले जो एक के साथ एक फ्री का इस्तेमाल करते, वो जब 5 साल में 2 साल में 3 साल में 1 साल में जो किडनी के मरीज हो जाते, जो उनका लीवर सड़ जाता, वो या तो वो मारे जाते या सरकारी अस्पतालों में उनको मरने के लिए डाल दिया जाता। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की ये करतूत दिल्ली के अंदर कितने घरों को उजाड़ देती, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। और केवल अरविंद केजरीवाल के चंपुओं को छोड़कर हर आदमी इस बात को समझेगा, जिस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ रख रहा हूं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।